ये सबसे नैरो ब्रिज है। होली क्रैप, एक फोटो खींच लेता हूँ। अरे अरे किधर जा रहे हो भाई, किधर जा रहे हो? ओ माय, वेलकम टू बॉम्बोइजर। सो टुडे इज सैटरडे एंड राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द बीच ऑफ बॉकखली। सो बॉकखली इज अराउंड 132 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कोलकाता। सो ये व्लॉग में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। आप में से जो भी कलकत्ता के आसपास या फिर कलकत्ता में रहते हो, आप लोग के लिए बॉकखली इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू गो फॉर अ इवनिंग ड्राइव और अ वीकेंड ड्राइव। एंड आप लोग से ये भी अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में पूरा अपडेट मिलते रहे। सो अभी आने वाला है हतानिया दोआनिया ब्रिज, जो हतानिया दोआनिया रिवर के ऊपर बनाया गया है। एंड नामखाना इज़ ऑन द नॉर्दर्न बैंक एंड नारायणपुर इज़ ऑन द साउदर्न बैंक। एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि कुछ ही साल पहले ये ब्रिज इधर नहीं था एंड लोग अपना सवारी लेकर, गाड़ी लेकर, जो बड़ा वाला नाव होता है बार्ज, वो लेकर ये नदी क्रॉस करते थे। सो मैं पेपर में पढ़ा था कि ये नया ब्रिज गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट किया है एंड लगभग इसका कॉस्ट रहा 228 करोड़। लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि ये ब्रिज बनने के बाद आपका कलकत्ता से बॉकखली आने का जो टाइम है वो बहुत कम हो चुका है एंड यू विल बी हैविंग अ वेरी स्मूथ राइड टू बॉकखली। उतरने का या फिर नाव में चढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपको इधर एक टैक्स देना पड़ेगा, एक टोल टैक्स है, बट इट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 100 रुपीज़। दोस्तों अभी आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑप्शन पे। कलकत्ता से बॉकखली जाने के लिए आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। नंबर वन, ट्रेन। ट्रेन में जाने के लिए आपको कलकत्ता से नामखाना स्टेशन तक आना होगा। नामखाना स्टेशन पे उतर के आप इधर से टोटो या फिर कैब ले सकते हो, क्योंकि नामखाना स्टेशन से बॉकखली का डिस्टेंस है लगभग 20 किलोमीटर्स। सेकेंड ऑप्शन इज बस। आपको एस्प्लेनेड से बहुत सारा बस मिल जाएगा बॉकखली आने के लिए इन रिजनेबल प्राइजेस। एंड थर्ड ऑप्शन इज़ कैब। आप खुद का गाड़ी भी ले सकते हो या फिर आप कैब भी हायर कर सकते हो, जिसका कॉस्ट लगभग अप्रॉक्सीमेटली पड़ेगा अराउंड 3,500 to 4,000 रुपीज़। सी बात के लिए इट्स नॉट दैट फेमस बिकॉज आप नहा नहीं सकते हो बिकॉज बहुत दूर है समंदर। एंड जब हाई टाइड आता है मॉर्निंग पे तो समंदर इतना तक आता है, बट नहीं तो नॉर्मली द सी इज़ क्वाइट फार अवे एंड यू कैन सी अभी लो टाइड है तो आप देख रहे हो कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इट्स अ वेट सैंड। सो ऑल इन ऑल अरेबिया अ गुड प्लेस टू ट्रैवल फॉर अ डे आउट फ्रॉम कलकत्ता। दीघा से तो मुझे अच्छा लगा ये वाला, एंड अभी स्पेशली सनसेट चल रहा है, सो यू कैन सी। So right now taking a long walk in the empty beach. It's healthy, refreshing and a stress buster for the week. Holy crap! एक फोटो खींच लेता हूँ। अरे भाई किधर जा रहे हो? अरे अरे किधर जा रहे हो भाई? अरे ये भी फ़ोटो खींचने के लिए तैयार नहीं है। देखो मैं फोटो कैमरा लेके आगे जा रहा हूँ और ये भागता रह रहा है। ओ आई गेस दिस इज़ हर होम।
अरे ये भी घर नहीं है। अच्छा ये वाला आपका घर है क्या? सो गाइस, बहुत अच्छा लगा। फॉर द फर्स्ट टाइम आई स्टूड इन अ व्यूइंग टावर नियर द सी एंड आई सॉ द सनसेट। तो इट्स टाइम टू गो अभी, बिकॉज आज ही हम लोग को पहुंचना है। सो दिस टाइम नो हेनरी आइलैंड, नो फ्रेजरगंज। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से आएंगे एंड वी विल विजिट दोज टू डेस्टिनेशंस एज वेल। सो गेटिंग डाउन फ्रॉम द व्यूइंग टावर, इट वॉज एम्प्टी। सो ये एक सडन प्लान था, कोई यू नो प्लानिंग नहीं था कि ऐसा सच के आज हम लोग इधर आने वाले हैं। सडनली प्लान हुआ एंड आई केम विथ माई पेरेंट्स एक्चुअली। तो अच्छा लग रहा है, बहुत पीसफुल है, बहुत एक यू कैन से अ वर्जिन बीच एंड उतना कमर्शियलाइजेशन, उतना क्राउड नहीं है एज सच। सो यू कैन सी आई एम वॉकिंग इन द एम्प्टी बीच विदाउट अ मास्क। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा टू कंटिन्यू मेकिंग सच गुड वीडियोज फॉर यू। नाउ टॉकिंग अबाउट होटल्स, बोकाली में बहुत ऑप्शंस मिलेगा आपको रहने के लिए। जो बजट होटल का स्टार्टिंग मार्जिन है, यू कैन से इट विल बी अराउंड 1500 रुपीस, एंड जो हायर बजट होटल्स है उसका भी आपको विद इन 5000 मिल जाएगा। सो रहने का ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको बोकाली में। सो ये है बोकाली का मेन मार्केट एरिया बीच के सामने। तो अभी टाइम हो गया है वापस जाने का एंड टाइम हुआ है एग्जैक्टली 5:14। तो चलो शुरू करते रिटर्न यात्रा। एंड ये सबसे नैरो ब्रिज है, इधर एक ही गाड़ी जा सकते हैं एक बारी में, आप देख के ही पता चलेगा आपको। दोस्तों इधर नोट करने वाला और एक पॉइंट है, जो डायमंड हार्बर रोड है वो कलकत्ता का वन ऑफ द मेन हाईवे से बहुत चौड़ा है, बहुत वाइड है, लेकिन जोका क्रॉस करने के बाद ये रास्ता बहुत ही नैरो हो जाता है। आप देख सकते हो इसी रास्ते से हम लोग आए भी थे एंड दिस इज़ द ओनली वे टूअर्स बोकाली। तो ओनली वन प्रॉब्लम, अगर आप ड्राइव करके आ रहे हो सो बी केयरफुल, बिकॉज इसी रास्ते से बहुत ट्रक्स जाता है एंड बहुत नैरो है। तो थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज थोड़ा रैश ड्राइविंग होता है, स्पेशली जब हम लोग लौट रहे थे। आप देख सकते हो थोड़ा अंधेरा था एंड द ट्रक्स एंड द बस जो भी प्लाई कर रहा था, दे वर ड्राइविंग वेरी रफली। सो बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। दोस्तों मैं अभी डायमंड हार्बर होके कलकत्ता की तरफ जा रहा हूँ और मेरे लेफ्ट साइड में हुगली रिवर है एंड स्पेशली इधर हुगली रिवर का चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। मैं उष्टी रोड भी ले सकता था, ये एक शॉर्टकट होता, लेकिन क्योंकि रात हो गया था तो मैंने रिक्स नहीं लिया। सो आई एम टेकिंग दी कन्वेंशनल नेशनल हाईवे थ्रू डायमंड हार्बर। सो लेट्स सी बाय व्हेन वी रीच कलकत्ता। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कलकत्ता से थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए या फिर थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस के लिए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए, अगर आपको एक छोटा सा मिनी माइक्रो ट्रिप करना है या फिर आपको एक इवनिंग ड्राइव चाहिए टू दी सी साइट, आई थिंक बोकाली इज़ ए गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर आप दोपहर को भी स्टार्ट करोगे, यू कैन ईजिली रीच बोकाली बाई सनसेट। सो दोस्तों आज का व्लॉग में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनगोइंग सपोर्ट। Take care of yourself and like every time, keep rocking.